बहुत स्वागत है मैम आज आने मिलने के लिए, मतलब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं आप। क्या कहना चाहिए मैम, आज यहाँ पर पहुँची, इफ्तार पार्टी कैसी लगी आपको, कुछ अगर आप बता सके। बहुत अच्छी लगी, एंड आपने सही कहा, मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ, मैं सिर्फ ओकेशंस पे मिलती हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसीलिए तो मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं हर फेस्टिवल में ही आपको मिलूंगी। करेक्ट करेक्ट, तो कुछ बताना चाहिए, मतलब ईद का समय है, ईद आने वाली 2 दिन बाद और नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए। आपने बहुत अच्छा कहा, कल से नवरात्र स्टार्ट हो रही है एंड मेरा उपवास चालू होने वाला है, तो बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इस बीच में आई थिंक ये वीकेंड में जा रही हूँ नर्मदा परिक्रमा करने, ओके ये मेरी एक्साइटमेंट है। ओके, क्या है थोड़ा कुछ अगर आप बता सके, क्या होने वाला है उधर, कुछ अगर आप क्या क्या करने हैं। तो बेसिकली एवरी ईयर आई गो टूवर्ड्स गुजरात, वहाँ पे एक जगह है राजपिपला करके, जहाँ पे 24 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा होती है, तो बस वही करते हैं। एंड ये जो महीना है नवरात्र का जो महीना होता है, इसमें ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, तो वहाँ ऐसे कहते हैं कि जो हमारी नर्मदा मैया है, जो कुमारी जी हैं, वो वहाँ पे आपको साक्षात मिलती है जब आप परिक्रमा करते हैं, तो बस वही है। ओके, अगर हम बात करें ईद भी है, ईद के लिए आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि शो लगा था, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहा है। यस यस यस, ईद मुबारक आप सबको, एंड आई होप आप सब उतना ही एंजॉय करें जितना हम आपका सपोर्ट और प्यार से एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।